अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों ये खाने में, और इसे हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 गिलास चने की दाल, ये हमारे 400 ग्राम के करीब आसपास है। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो शुगर और घी की क्वांटिटी भी आपको उसी हिसाब से सेट करनी होगी। तो अब हम इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे, 3 से 4 बार इसे हम अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। तो दालों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे उबाल लेंगे। सो 10 से 12 सीटी तक हम इसे उबाल लेंगे अच्छे से। तो ये हमने सभी दालों को दे दिया है, 2 गिलास के करीब हम दे देंगे पानी। तो गैस हमने ऑन कर लिया है और ये हमने दालों को बॉईल करने के लिए दे दिया है। तो सीटियाँ हमारी लग चुकी हैं, ये देखिए ये हमारी। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और कुकर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दाल हमारी कुक हो चुकी है, जिस तरीके से हमें चाहिए थी उसी तरीके से दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से पीस लेंगे। सभी दालों को आपको अच्छे से पीस लेना है इस तरीके से। तो दाल पीसने टाइम हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। तो ये हमने सभी दालों को है जो है अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हलवा बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन कर लिया है, एक कढ़ाई लिया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे घी, आप चाहो तो तेल का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमने 200 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर घी यूज़ किया है। गैस का फ्लेम हमें लो कर देनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, 4-5 लौंग हमने यहाँ पर दे दिया, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, ये 2 तेज़पत्ता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चना जो हमने पीस के रखा था। अब इसे अच्छे से मिला दें दोस्तों। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब हम सीरा बना लेते हैं। सीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है और 200 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर शुगर यूज़ किया है। आप मीठा आप अपने हिसाब से दीजिए, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए इसमें। दोस्तों इस तरीके से हमें सभी दालों को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये हलवा बहुत ही पसंद आएगी। इधर हमारी सीरा जो है वो रेडी हो गई है, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। चने को दोस्तों आपको तब तक फ्राई करनी है जब तक इसके कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इस तरीके से चलाते रहना है ताकि चना जो है वो कढ़ाई में लग ना जाए। तो ये हमारी चने की कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है दोस्तों। इसे हम जितना अच्छे से भूनेंगे हमारी हलवा जो है उतनी स्वादिष्ट और उतनी टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में, और मतलब बच्चों को ही तो ये फेवरेट है। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें सीरा ऐड करेंगे। हम इसमें यहाँ पर ये सीरा एक बार में हम नहीं देंगे, तो ये हमने दे दिया, इसे अब अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसे भी चलाएंगे हम अच्छे से।
इस तरीके से आपको सीरा को ऐड करते रहना है। आपने जितना एक बार मीठा आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर मीठा आपको ठीक लगे तो आप सीरा मत देना, अगर मीठा आपकी कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें इस सीरा ऐड करते रहना है। तो हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिया, अच्छे तरीके से इसे मिला ले। तो ये हमारी हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी टेस्टी बन लग रही है और खाने में भी दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब जो है हम क्या करेंगे, सभी जो तेजपत्ता हमने डाली थी वो एक एक करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सुंदर होती है दोस्तों खाने में। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये हमारी ये रेडी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हलवा हमारी रेडी हो गई है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें एक ले लेनी है प्लेट और उसके ऊपर लगा देनी है घी। तो सभी हलवा को हम क्या करेंगे, अब प्लेट में निकाल देंगे और खड़े मसाले जो हमने हलवा पे दिया था वो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये मुंह में जब जाती है इसकी टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मुंह की टेस्ट बिगड़ जाती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमने खड़े मसाले दिए थे वो सभी को निकाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से आपको अच्छे से प्लेट में इसे बराबर कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको एक कंची की मदद से इसको अच्छे से कर लेनी है। तो अब जो है हमारी ये अच्छे से हो गई है। अब हम इसे बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे। आप छोटा या बड़ा कोई भी शेप दे सकते हो इसे। तो एक नाइफ की मदद से हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसे कट कीजिए, आपको जैसा शेप चाहिए आप उस हिसाब से कट कीजिए। दोस्तों कितने बढ़िया बनी है आप देख ही सकते हो। तो चलिए मैं एक आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है, देख रहे हो आप दोस्तों कितनी सुंदर बनी है। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।